हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। तो आज सुबह सुबह बन रहा था सब्जी और पराठा, यहाँ पे बैठ के पापा खा रहे थे आराम से। और क्योंकि होली आ रही है सबको पता है, तो इसके लिए जो सारे पर्दे वर्दे हैं वो सब धुले जा रहे हैं, तो वहीं हम उतार रहे थे पर्दे ऊपर से। ये मतलब मम्मी तो चढ़ नहीं पाती, तो वो ऊपर ऊपर सब हमको चढ़ा देती इतना ताड़ पे और इतना नहीं कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे मम्मी जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब बांध लेती हैं, बांधने के बाद धुलती हैं तो वो सही रहता है। फिर ये छूट गया उनसे उनसे छूट गया था गलती से, फिर अभी दोबारा फिर लगाई तब लग गया। ऐसा मतलब 2 से 3 बार हुआ कि उन्होंने लगाया और वो मतलब छूट गया था। अब मम्मी इसको धुलने के लिए डाल रही हैं, फिर अब ये दूसरा वाला मतलब दो 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 को एक पार्ट में कर लिया था, दो को एक साथ धुले और दो को एक साथ धुले थे। तो मम्मी मेरी बहुत सफाई कर रही हैं आज, क्योंकि इनकी 3 दिन से तबीयत ख़राब थी ना, तो आज उनकी थोड़ी तबीयत सही हुई है, तो आज ये सारा काम कर डालेंगी। दूसरी बात, थोड़ी भी आ रही है तो सफाई तो उन्हें करनी ही थी, तो कम से कम ऐसे ही करे ले रही हैं सफाई, आज सही है तो कर ले। तो बाहर के कमरों की सफाई मतलब जो थी वो हो चुकी थी, तो अब अंदर जो हमारा स्टोर है अब उसकी सफाई होने की बारी थी। तो मम्मी यहाँ पे जो है मतलब सबसे पहले सारे डिब्बे उतार उतार के नीचे रखेंगी, फिर उनको पोछेंगी, फिर उसके बाद लगाएंगी, तो बहुत मेहनत करेंगी आज। मम्मी पूछो ना। और बुआ का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी उनसे बात करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। मतलब बुआ नहीं, मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो उन्हीं का कॉल आ गया था, हम लोग उन्हें बुआ बोलते हैं। तो मम्मी का स्टोर साफ हो गया था, तो अब बारी है किचन की। तो फिर हमें ऊपर काम में बोली कि जाओ मतलब तार साफ कर दो ऊपर वाला, क्योंकि ये तो कभी कभी साफ़ होता है साल में एक बार दो बार, तो वही बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मैंने 2 से 3 बार उसे साफ करा, तो बस ये साफ होने वाला है। और ये ज़रा सा ये निकल गया था, तो मैं सोचा चलो इसे लगा देते हैं। और यहाँ पे कुणाल की अपनी मस्ती चल रही है, ये पापा के ऊपर बैठे और बोल रहे कि तुम गाड़ी हो और हम गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, अरे मैं तो गिर गया। तो चलिए आप देखिए इनकी पूरी मस्ती। तो यहाँ पर जो है हो रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। मम्मी पापा को चॉकलेट ही पसंद थी, तो उन्होंने चॉकलेट ही ली, और हमको वनीला पसंद थी तो हमने वनीला दी थी। और आज चाहत जा रहे हैं गाँव, कि चाहत मंडी में हर बार गाँव जाता है दादी के यहाँ, तो पापा उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं और रवि अंकल अपने घर जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और हम लोग निकल पड़े हैं आज कहाँ, मंदिर जा रहे हैं आज। आज के दिन ही हमारी गाड़ी आई थी, तो इसका बर्थडे मनाने हम लोग मंदिर जा रहे हैं। आज से 1 साल पूरा हो गया, तो हम लोग सुबह सुबह चाय पी के बस निकल दिए। अभी कितना अच्छी 7 बजा है 7 बजा होगा 8 बजा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फर्म नहीं कितना टाइम, 9 बजे मुझे लग रहा है, 7 ही बजा काम करते करते पता ही नहीं चला। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर, बर्थडे मनाने जा रहे हैं गाड़ी का।
आ गए हम लोग मंदिर। पहले दुकानें नहीं रहती थी, अब परमानेंट दुकानें लगी रहती हैं। तुम जहाँ जहाँ जाने लगती हो वहाँ डेवलपमेंट हो गया। देखो शादी मेरा तो गांव चली जाए, कितनी रास्ता कच्ची रहा है, तो तुम कितना परेशान होती रहो। जब से तुम रोज जॉब शुरू की ना, ये सब डाल देना है। पहले बन के लेकिन बन तो पक्की है। पता नहीं हाँ क्या है? पापा लोग वहाँ पे ले रहे हैं प्रसाद। प्रसाद प्रसाद हमको पकड़ा दिया, अपना दोनों लोग आगे आगे जा रहे। कितनी गलत बात है, दो दो जगह प्रसाद ले रहे हैं, एक रवि अंकल का एक पापा का, एक मम्मी का एक कुर्सी का। रामचरित मानस का पाठ हो रहा है हम लोग तो ना। मठ पोता जाता है वो दिवाली पे होता है, दिवाली पे होता है। हाँ सामने ही तो था।
हाँ 10-11 बजे आई थी ना, अभी 9:30 है, 9:30 भी नहीं है अभी। हाँ 9:30 है, 11 बजे हम घर से आए थे, ये हमको याद है, जब गाड़ी आई थी। हाँ तो ये लीजिए प्रसाद, हमारी गाड़ी का प्रसाद। आज से हमारी गाड़ी 1 साल की हो गई फैमिली। सबको अच्छे से रहा, भोले बाबा की कृपा बनी रहे हम सब पे। आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। बाय प्यारी, तोड़ दे तो बदमाशियां कर दा। शीशा खुला है पीछे वाला? हाँ पीछे वाला। हाँ